आज बिहार का बात करते हैं। बिहार जो कि एक बिहार से आया है, बिहार जो कि बौद्धिस्ट कल्चर में चैत्य, जहाँ पे प्रार्थना करते थे बौद्धिस्ट लोग, उसे चैत्य कहा जाता है। और जहाँ पे वो रहते थे उनका रेसिडेंशियल एरिया को कहा जाता था बिहार। चूँकि एंशिएंट पीरियड में उस समय उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बिहार थे, इस कारण उस एरिया का नाम ही रख दिया गया बिहार, जो कि धीरे धीरे ये नाम चेंज होते चला गया और बाद में इसका नाम हो गया बिहार। अगर मॉडर्न के समय कहा जाए, मेडिवल पीरियड में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में पहले बिहार, झारखंड, उड़ीसा सारे एक ही पार्ट थे, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। 1911 में जब इंडिया का कैपिटल कलकत्ता से जब दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, तो उस समय बिहार के लोग भी प्रपोजल किए, यहाँ से कुछ गए लोग, उन्होंने प्रपोजल किया मुझे एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए उस एरिया का, तो वहाँ से पास हो गया वो। उसके बाद 22 मार्च 1912 को फाइनली बिहार को एक अलग एरिया दे दिया गया, अलग प्रोविंस बना दिया गया। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा मिला के एक सेपरेटेड एरिया का नाम दे दिया गया, जो कि बिल्कुल बंगाल से अलग हो गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया। और अभी जो प्रेजेंट बिहार है इसमें टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 जिला है, जो कि लास्ट जिला अरवल बना था। लोकसभा में इसका जो मेंबरशिप है, 40 लोकसभा सांसद आते हैं बिहार से। राज्यसभा में 16 सांसद आते हैं बिहार से। एरिया जो है वो इंडिया में बिहार का एरिया के आधार पे 13th पोजीशन है, बट पॉपुलेशन के आधार पे बिहार का पोजीशन 3rd है इंडिया में, सारे स्टेट्स में। मगध राजवंश सबसे पुराना राजवंश था बिहार का, उसके संस्थापक थे, फाउंडर थे वीरद्रथ के बेटा हुआ जरासंध, और जरासंध के बाद है बिम्बिसार ने हरियक वंश की स्थापना किया। हरियक वंश के समय बिहार की राजधानी राजगृह था, जो कि अभी राजगीर है। हरियक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश ने अपना कैपिटल वैशाली शिफ्ट किया। शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश जिसका एरिया बंगाल और पंजाब तक काफ़ी फैला हुआ था, जिसके नंद वंश के लास्ट रूलर थे वो थे घनानंद के बारे में बोला जाता है कि एक यज्ञ आयोजन किया गया था, जिसमें कौटिल्य यानी चाणक्य को बुलाया गया था, और उस यज्ञ में चाणक्य को अपमानित किया गया। चाणक्य को अपमानित करने के बाद चाणक्य ने वहीं पे निर्णय लिया और उसने बोला कि मैं ये नंद वंश को समाप्त कर दूंगा, यहाँ पे एक नया वंश का स्थापना होगा। चाणक्य जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे और वहाँ के स्टूडेंट भी थे, वह मौर्य वंश की स्थापना किया। 345 BC में हुआ था। घनानंद को हराने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद ली थी, जो कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बाद में बन गया था चाणक्य। चंद्रगुप्त जो है मगध की राजधानी पे राजगद्दी पे बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म को फॉलोअर था। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा हुआ बिंदुसार जो कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी उसका चेला था। बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, जो कि महान के रूप में इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है। अशोक के बारे में बोला जाता है कि अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने कलिंग वार के बाद धर्म की दीक्षा दी, उसके बाद उसने हथियार को पूरी तरह से त्याग दिया। अशोक इसके लिए भी बहुत फेमस, चूँकि उस समय रॉक एडिक्ट बहुत चला था, तो यानी शिलालेख, तो उसने 14 शिलालेख का निर्माण करवाया था अशोक ने। मौर्य वंश के समाप्ति के बाद जो मौर्य वंश का लास्ट रूलर था वो था वृहद्रथ, उसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और उसके जगह पे शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश के बाद फिर धीरे धीरे आगे कण्व वंश आया। गुप्ता पीरियड जिसका स्थापना श्री गुप्त ने किया था 245 AD, कहीं कहीं 275 AD लिखा है, इसका भी ओरिजिन बिहार का मगध माना गया है। कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश के जो फाउंडर थे श्री गुप्त थे, उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने राजधानी अपना पाटलिपुत्रा रखा, और गुप्त वंश के ही पीरियड में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया बनाया नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि
ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में उस समय ख्याति था उसका, फेमस था। और वहाँ पे कई सब्जेक्ट पे, कई विषय पे पढ़ाई होता था, बुद्धिस्ट के अलावा, बुद्धिस्ट कल्चर के अलावा, और भी था साइंस क्षेत्र में। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था, और भी बहुत सारे बौद्धिस्ट कल्चर को वहाँ से नुकसान किया था, वहाँ पर नुकसान किया था। इसके बाद आता शेरशाह, शेरशाह का भी एरिया जो था वो था सासाराम का एरिया था। शेरशाह जो कि चौसा का युद्ध में हुमायूं कहराया, तो हुमायूं यानी मुगल, मुगल वंश का फाउंडर था बाबर, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं। शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हरा दिया था। उसके बाद फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें हरा दिया गया था। दोनों वार के बाद पूरी तरह से शेरशाह के हाथ में पूरी तरह से सत्ता आ गई थी। शेरशाह ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क किया था, जो कि जीटी रोड है जिसको ग्रैंड ट्रक बोला जाता है, या फिर NH2 जिसको आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको NH2 का नाम दिया गया। शेरशाह ने ही जो पहले राजधानी पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र का नाम बदल कर पटना रखा। अब बात करते हैं आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी शुरुआत बिहार में भी 7 से 12 जून के बीच में हो गई थी। बिहार में इसका एंट्री हुआ था, झारखंड का एक रोहिणी गांव है वहाँ से इसका एंट्री हुआ। तो वहाँ का 32nd जो इन्फेंट्री रेजिमेंट था उसका मुख्यालय था, वहीं पे पहला इसका विद्रोह हुआ। उसके बाद जुलाई 1857 में पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता था पीर अली ने अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा, अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ, और लास्ट में अंग्रेज ने जो कि कमिश्नर टेलर था इसको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर दिया, दबा दिया, और पीर अली का घर को पूरी तरह से आग लगा दिया। उसके साथ और भी 17 लोग थे, उन लोगों को फांसी दे दिया गया। 1917 में बिहार में चंपारण का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था जिन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में, इसके पहले सत्याग्रह में उन्होंने एक्सपीरियंस कर चुका था। लेकिन जब 1915 में जब साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आए, तो इंडिया आने के बाद उन्होंने पहले इंडिया का दौरा किया। इंडिया दौरा करने के बाद सब इंडियन कल्चर को समझे, यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स को समझे। उसके बाद 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग था लखनऊ में, सेशन था, लखनऊ सेशन था। वहाँ पे कुछ बिहार के रिप्रेजेंटेटिव, जब राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ सेशन में गए तो उन्होंने अपने चंपारण के एरिया का प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखे, वहाँ के मेम्बर्स के सामने रखे, और महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किए कि आप आइए और यहाँ पे देख लोगों को समस्याओं में आप कुछ हेल्प करें। तो महात्मा गांधी ने सीधे मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद महात्मा गांधी ने बोला, जब बहुत रिक्वेस्ट आया तो महात्मा गांधी ने बोला ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले वहाँ का स्टडी करूँगा कि क्या हालात है, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। उन्होंने स्टडी किया, देखा कि सचमुच में वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, तब उसके बाद यहाँ पर सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये महात्मा गांधी का इंडिया में पहला सत्याग्रह था जो 1917 में स्टार्ट हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स नन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें भी इसका मेन वजह था माउंटगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1918 में आया था उससे, और उसका एक वजह था, और एक था रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था। ये दोनों की वजह से नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसमें जो माउंटगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1918 में आया था, उसके विचार कहने के लिए, उस रिपोर्ट को समझने के लिए मुंबई में सेशन, बॉम्बे में सेशन हुआ था। उसका जो अध्यक्ष थे वो बिहार के बैरिस्टर थे, उनका नाम था हसन इमाम। हसन इमाम ने लेकिन इस पे असंतोष जाहिर हुआ, लोगों को लगा कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर यहाँ से फिर आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ के बिहार के लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था इसमें। उसके बाद 1928 में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भी इंडिया में काफ़ी विरोध हुआ, बिहार में भी हुआ। बिहार में अनुग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन हुआ था जिसमें साइमन कमीशन को बहिष्कार करने के लिए, बायकट करने के लिए वहाँ के जो यूथ हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दैट मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओबीडियंट मूवमेंट। दिसंबर 1929 में 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था जिसमें CDM को प्रस्ताव रखा गया। उस समय उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में ही पहली बार स्वतंत्रता की बात की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के भी फैसला लिया गया, और 26 जनवरी 1930 को बिहार में बहुत खुशी पूर्वक, उत्साह पूर्वक वहाँ पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू हुई। गांधी जी जब दांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम से जब चले 12 मार्च 1930 को, तो 5 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुँच के कानून का जो था, जो नमक बनाने का कानून था उसका उन्होंने तोड़ दिया यानी उल्लंघन किया। उसी के
वहाँ से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो बिहार में चूंकि नमक बनाने का कोई और कल्चर था नहीं, तो बिहार में नमक सत्याग्रह जो है 15 फरवरी 1930 को चंपारण सारण जिला में स्टार्ट हुआ। यहाँ पर चूंकि समुद्री पानी तो था नहीं, तो यहाँ पर नमकीन मिट्टी से ही नमक बना के कानून का उल्लंघन किया गया और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में कंट्रीब्यूट किया गया। उसके साथ साथ यह आंदोलन बिहार में काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे चौकीदारी चौकीदारी टैक्स होता है उसका भी डिमांड हो रहा था, उसको बंद करने की बात की जा रही थी और बखास्त जो ज़मीन था उसको वापस लेने की बात की गई थी। बखास्त लैंड वो एरिया वो ज़मीन होता था जिस ज़मीन पर उपजाता था किसान, लेकिन उसका जो टैक्स है जिसका जो टैक्स रिवेन्यू है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे नहीं कर पाता था, तो इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उस ज़मीन को कब्जा कर लेता था। तो उस लैंड को वापस उसी को बखास लैंड के बोला गया था, बखास लैंड को वापस करने की बात की गई। और नखास पिंड में जो अंबिका कांत सिंह जो सचलाइट के मैनेजर थे उन्होंने नखास पिंड में भी कानून का उल्लंघन किया और नमक कानून को भंग किया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 5 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का एक बैठक हुआ जिसमें एक्सेप्ट किया गया कि नहीं भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाए, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त को इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसी समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई। 9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी किया और कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया, क्योंकि 8 अगस्त के रात को ग्वालियर टैंक जो मुंबई में है वहाँ पे मीटिंग हुआ जहाँ पे बोला गया कि आप भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने, तो उसी रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी लीडर्स थे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी लीडर्स थे उन सारे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी वजह से आंदोलन जो है अनकंट्रोल स्थिति पहुंच गया। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद मथुरा बाबू की श्रीकृष्ण अनुग्रह बाबू ईसाई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया बिहार में। 11 अगस्त 1942 विद्यार्थियों को एक जुलूस ने पटना में सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इसके बाद वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था WG Archer उसने ऑर्डर दिया और जो निहत्थे स्टूडेंट थे उन पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। इसमें 7 स्टूडेंट का डेथ हो गया। तब इसके गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने एक आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी युवक का एक क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी यूथ का एक ग्रुप बनाया गया था जिन्होंने राजविलास जंगल जो कि नेपाल के एरिया में है वहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें एक सरदार नित्यानंद सिंह जी थे जो कि वहाँ पे लोगों को फायरिंग के बारे में आर्म्स एम्यूनिशंस के बारे में बताते थे। उस दौरान बिहार में कई जगह हमले हुए, सिवान, सारण, दरभंगा, कटिहार, डुमरांव बहुत सारी जगह पे हुए। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का सेशन स्टार्ट हुआ तो उस समय जो अस्थाई नॉन परमानेंट जो अध्यक्ष थे उसके रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार के थे उनको चुना गया और उसके बाद परमानेंट जो प्रेसिडेंट हुए वो चुने गए राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के थे जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हुए। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान सभा संविधान लागू होने के बाद भारतीय संघ का एक हिस्सा बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।